1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष विजय मशाल पालमपुर सैन्य स्टेशन पहुंची। भारत पाक युद्ध के दौरान युद्ध नायकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में एक पुष्पांजलि समारोह भी इस दौरान आयोजित किया गया। डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर AK सिंह सेना मेडल ने माल्यार्पण कर बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सभी रैंकों को उनके नक्शे कदम पर चलने और एक मजबूत विकसित और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरे दिल से समर्पित करने का आह्वान किया। मेडल, साइड, 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 साइड। जय हिंद। मैं कर्नल KK भारद्वाज हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट हूँ स्टेशन हेडक्वार्टर्स पालमपुर। आज ये स्वर्णिम मशाल जो है ये देश भर से घूमती हुई हमारे स्टेशन में पहुँची है और इस मशाल का तात्पर्य ये है कि ये 16 दिसंबर पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मशाल को जो नेशनल वॉर मेमोरियल है दिल्ली में वहाँ से प्रज्वलित किया था और उसके बाद में ये मशाल को 4 भागों में बांटा गया था जिससे कि पूरे देश को कवर किया जा सके। और मकसद ये है कि इस एक साल के अंदर में जब हम इस साल के 16 दिसंबर में पहुंचेंगे तब तक भी ये मशाल पूरे उन जगहों को कवर करेगी और उन वीर भूमियों को कवर करेगी जहां पे हमारे वीर सेनानियों ने अपना बलिदान किया देश के लिए। अभी मैं आपको 1971 के बारे में बताऊंगा क्योंकि हम उसी के 50 साल मना रहे हैं। 1971 की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है पूरे संसार में जहाँ पर हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कारण जो है एक नया देश पैदा हुआ है। हमने पाकिस्तान को हराया और उसके बाद पाकिस्तान का एक टुकड़ा आज़ाद होकर नया देश बना जिसको कहते हैं बांग्लादेश। और यही नहीं, ये इतनी बड़ी लड़ाई थी कि इसके अंदर हमने 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको हमने बंदी भी बनाया था। तो ये पूरे वर्ल्ड के जितने भी आपके मिलिट्री हिस्ट्री है उसमें सबसे ऊंचे लेवल पे स्वर्ण अक्षरों में इसका जिक्र किया जाता है। और ये पॉसिबल इसलिए हो पाया कि हमारी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है उसने जिंदा दिल तरीके से देश के नाम पे अपना बलिदान दिया और बढ़ चल के हिस्सा लिया और अपना सक्सेस लिया। ये तभी पॉसिबल है, एक किसी भी देश की उन्नति तभी पॉसिबल है जब आपकी आर्म्ड फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। अभी आपने अफगानिस्तान में देख ही लिया है कि क्योंकि अफगानिस्तान की फ़ौज कमज़ोर थी उसी कारण से तालिबान सीधा अंदर घुस आया और फ़ौज को हटना पड़ गया पीछे। तो अगर जिंदा दिल और स्ट्रांग आर्म्ड फोर्सेस होंगी, अच्छी ट्रेनिंग होगी, अच्छा नया वेपन सिस्टम होगा, अच्छी लीडरशिप होगी तो कभी भी किसी देश के अंदर नुकसान नहीं हो सकता। एक बार फौज स्ट्रांग होगी, देश की बाउंड्रीज अच्छी होंगी, उसके बाद देश के अंदर की उन्नति भी स्टार्ट होगी, इंडस्ट्रीज भी होंगी, बच्चे स्कूल कॉलेजेस भी जाएंगे, उसके बाद में आपकी इंडस्ट्रीज अच्छा करेंगे, सारे लोग अच्छा करेंगे। देश की तरक्की तभी पॉसिबल है जब आपके बॉर्डर्स सिक्योर हैं और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी आर्म्ड फोर्सेस हाईली मोटिवेटेड वेल ट्रेन्ड और अच्छी लीडरशिप और मॉडर्न वेपन्स के साथ में यहाँ पे रहेगी। अब ये जो स्वर्णिम मशाल है ये यहाँ पे 4 दिन हमारे पास रहेगी और मेन मकसद यही है कि ये सब उन वीरों के गांव में जाएगी, खासकर जो एवॉर्डीज थे जिनके कारण हमने 71 की लड़ाई जीती थी। और हमने कोशिश ये की है कि उनके हमने रिलेटिव्स जो सर्वाइविंग है उनको भी बुलाया है, उनको हम आज फेलिसिटेट भी कर रहे हैं। उसके अलावा दिव्य हिमाचल TV के लिए पालमपुर से जयदीप रेहान की रिपोर्ट।